कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। जब दूसरी लहर आई थी तब सरकार ने पारिवारिक समारोहों पर रोक लगा दी, लेकिन चुनाव नहीं टले। चुनावी रैलियां और सभाओं का दौर चलता रहा। कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। इसके बाद कोरोना की दूसरी लहर ने ऐसा कहर बरपाया कि सरकार कोरोना मरीजों के इलाज की व्यवस्था भी ठीक से नहीं कर सकी और हजारों लोगों की मौत हो गई। और अब कोरोना वायरस की तीसरी लहर में देश प्रवेश कर चुका है, लेकिन आम लोगों की कौन कहे जब जनप्रतिनिधि ही कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हमारे देश के गृह मंत्री के द्वारा ही गाइडलाइन की अवहेलना की जाए तो समझा जा सकता है कि देश और देश की सुरक्षा का क्या होगा। क्या कोरोना को राजनीति से डर है? दौरे में अमित शाह के प्रचार में चुनाव आयोग के कोविड-19 की धज्जियां उड़ती दिख रही हैं। आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं अमित शाह कैसे थूक लगाकर पर्चे बांट रहे हैं। एक तो सुरक्षा बलों और दुकानदारों की भीड़, उसके ऊपर खुद गृह मंत्री अमित शाह के मुंह पर मास्क नहीं। यह प्रचार वाली राजनीति कहीं कोरोना का कहर ना बन जाए। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी बढ़ते कोरोना वायरस के मामले को देखते हुए अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक करते हैं, बावजूद इसके गृह मंत्री बड़े ही शान से चुनाव प्रचार के दौरान मौजूद भारी भीड़ की फोटो अपने ट्विटर हैंडल पर साझा करते हैं।